को चकरा कर रख देते हैं। हम जितना भी उसे ढूंढने की कोशिश करें, उसे ढूंढ नहीं पाते। ऐसा ही एक प्रश्न है कि क्या भगवान है? इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, जिसमें हमने आपको सबूत भी दिए कि भगवान सच में है। और आज हम बात करने वाले हैं उससे भी बड़े प्रश्न के बारे में कि भगवान को किसने बनाया। चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, चाहे किसी भी धर्म को पढ़ लें, तो उसमें यही बताया जाता है कि भगवान सच में मौजूद है, एक ऐसी महाशक्ति जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। लेकिन इससे मन में और भी बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि अगर हमें भगवान ने बनाया है, तो भगवान को किसने बनाया? ये सवाल जितना मुश्किल नजर आता है, इसका जवाब उतना ही सरल है। और इस जवाब में पूरी सृष्टि के हर सवाल का जवाब है। अब आप ही सोचिए कि जब आप एक नॉवल पढ़ते हैं, तो हमारे मन में भी यही सवाल आता है कि इस कहानी का लेखक कौन है। हम उस लेखक को उस कहानी में नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि जिसने इस किताब को लिखा है, उसने अपना कोई किरदार कहानी के अंदर नहीं दिया। वो लेखक तो उस कहानी के स्तर से भी बाहर है। इसी तरह हमारी यह सृष्टि उस कहानी की तरह है जो किताब में होती है, और भगवान उस कहानी के लेखक। भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, समय को बनाया, शुरुआत को बनाया और अंत को बनाया। जिस तरह हम उस किताब की कहानी में लेखक को नहीं ढूंढ सकते, उसी तरह हम उस भगवान को इस सृष्टि के नियमों में नहीं ढूंढ सकते। लेकिन अब हमारे मन में सवाल उठता है कि भगवान क्या है? तो भगवान है इस सृष्टि के नियम और संतुलन। चीजें बनती और नष्ट होती हैं, लेकिन नियम नहीं बदलते। चाहे परमाणु हो या बड़ा ग्रह, ये सृष्टि भी नियमों पर चलती है। इन्हीं नियमों को हम कुदरत का नाम भी देते हैं। यही नियम सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं। जब बुराई बढ़ जाती है, तो उसे मिटाकर संतुलन बनाया जाता है। विज्ञान के पास अब तक इस सवाल का जवाब नहीं है कि बिग बैंग आखिर हुआ कैसे। उसी से पहले ना समय था, ना ही कोई कण, बस सिंगुलैरिटी थी। उसकी ना कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत, सिर्फ यही नियम थे जो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि हम समय में बंधे हुए हैं, इसलिए हमें लगता है हर चीज समय में बंधी हुई है। लेकिन समय खुद उन नियमों में बंधा हुआ है जो संतुलन कायम करते हैं। वही तो भगवान है, खुदा है। लेकिन अब आप सोचिए, क्या आप भगवान को मानते हैं? क्या आप उन नियमों को मानते हैं? उस भगवान ने हमारे लिए यह सृष्टि बनाई, हमें बनाया, लेकिन हम तो खुद को ही भगवान समझने लगे। हम भगवान की इज्जत नहीं करते, हम तो अपने अपने धर्मों की इज्जत करते हैं। हम इंसानों के लिए उस भगवान ने इतना कुछ किया, लेकिन हम उसकी बनाई दुनिया, उसके बनाए इंसानों से ही नफरत करते हैं। हम कहां प्यार करते हैं उस भगवान से? हम तो प्यार करते हैं अपने अपने धर्मों से। अरे इंसान, जब उस भगवान खुदा ने किसी इंसान को बनाने में फर्क नहीं किया, तो तेरी क्या औकात है तू उसकी मर्जी के खिलाफ जाए? अरे जिस दुनिया को बनाने में उस भगवान खुदा को खरबों साल लग गए, तुझे लगता है तू उसे इतनी छोटी सी जिंदगी में समझ जाएगा? अरे प्यार कर उस भगवान खुदा की बनाई हर चीज से, क्योंकि हर चीज में वो बसता है। बस तुझे ही देखने का नजरिया बदलना होगा।